नमस्कार, जनसत्ता.com में आपका स्वागत है। मैं हूं रचना रावत। मैं हूं स्नेहा वलूनी और हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस से जुड़े हुए अपडेट्स। तो हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के एपिसोड में क्या हुआ। तो मंगलवार के एपिसोड में घर के अंदर बहुत ही गर्म गर्म माहौल बना रहा, युद्ध का पूरा माहौल था, जहां पर प्रियंक और आकाश इन दोनों की भिड़ंत हो गई। डाइनिंग टेबल पर प्रियंक की और अर्शी की भिड़ंत होती है। दोनों एक दूसरे को टॉन्टिंग वे में एक कमेंट्स पास करते रहते हैं, जिसके बाद जो घर है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को टॉन्टिंग बाजी कर रहे हैं और लेवल इनका बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। इसलिए शिल्पा बीच में आती है और वो अर्शी को आगे समझाती है कि यार अर्शी, अब तो बस करो, क्योंकि अब ये लेवल जो है दूसरी तरफ बढ़ जा रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जो ज्यादा बोल रहे हैं उनको उनके लेवल तक ही बात करने दो। लेकिन जब घर का माहौल इतना गर्म हो रहा है तो फिर घर के सदस्य खुद को इसमें आने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए जो बेनाफ्शा है वो प्रियंक के समर्थन में आ जाती हैं और प्रियंक को सपोर्ट करने लगती हैं। बिल्कुल, क्योंकि घर का अब जो है बंटवारा हो गया है, दो भागों में बट गए हैं ये लोग। तो इस दौरान प्रियंक, बेनाफ्शा और हिना ये लोग एक टीम में हो जाते हैं और दूसरे टीम में आकाश के साथ शिल्पा हो जाती हैं, और नहीं, लव भी हिना के साथ ही होते हैं। तो ये लोग अब है दो अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं। इसके बाद लड़ाई में बंदगी और पुनिश भी कूद जा पड़ते हैं, और जो घर के अंदर लड़ाई हो रही है उसमें फिर पुनिश कूद के सपोर्ट करने लगते हैं। अब इस बीच क्या होता है कि पुनिश और प्रियंक इन दोनों की बहुत बुरी तरीके से हाथापाई होने ही लगती है, लेकिन इस बीच में बंदगी बीच में आ जाती है। आगे क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो पुनिश है वो बताते हैं शिल्पा को कि पीठ पीछे तुम्हारी आकाश तुम्हारे मतलब बॉडी को लेकर के कमेंट करता है। तो शिल्पा सबके सामने रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन वो बाथरूम में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। बिल्कुल, अब इस बीच आकाश जो है दौड़ करके शिल्पा के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि यार तुझे क्या हो गया। तो शिल्पा बोलती है कि प्लीज़ मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं थोड़ा सा अभी ठीक नहीं हूँ। इसके बाद घर के जो सदस्य हैं वो आकाश हैं वो बेनाफ्शा को लेकर पर्सनल कमेंट करने लगते हैं उनके बॉडी को लेकर के। इसके बाद क्या होता है कि घर में इतना गर्म माहौल हो जाता है कि बेनाफ्शा बेकाबू हो जाती हैं और आकाश के बचे कुचे बाल भी पकड़ लेती हैं, क्योंकि बचे कुचे शब्द का इस्तेमाल सारे घर वाले करते हैं, इसलिए हम भी यही बात बोल रहे हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि बेनाफ्शा बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती हैं और गुस्से में आकर के वो उनके सर के बाल पकड़ लेती हैं और वो खींचने लगती हैं, इतने में आकाश बाल पीछे छुड़ा लेते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहे जनसत्ता.com के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।